स्वस्थ जीवन के इन 8 डॉक्टर्स को अपना दोस्त बनाएं ताकि आप बीमार ना पड़े। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, स्वस्थ हम रहना तो चाहते हैं, मगर आज आप 10 लोगों से पूछने जाएंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो बोलेंगे नहीं, कुछ न कुछ उन्हें तकलीफ होगी ही होगी। तो अब हमारे शरीर में कोई रोग ना आए ऐसा संभव है, क्योंकि हम उन नियमों का फॉलो नहीं करते, पालन नहीं करते, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज मैं आपको वो नियम बता रही हूँ कि आप कोशिश करें इनमें से जितने अधिक से अधिक नियमों का पालन कर सकें ताकि आपके शरीर में रोग ना आए। तो पहली चीज़ है सूर्य की धूप। सूर्य की धूप का तो महत्व आप समझते होंगे, क्योंकि घर में कोई चीज़ खराब होती है तो हम सीधे सूरज की धूप में फैला देते हैं। कपड़ों में गंध आती है तो वो भी सूरज की धूप में फैला देते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, सोलर एनर्जी से आज जब बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं, और हमारे घर में भी लाइट जल रही है, यानी जिस सूरज की धूप में इतनी ताकत है, तो वो क्या हमें रोग मुक्त नहीं रखेगी? बस हमें उसे लेने का तरीका मालूम हो कि हम कैसे उसके प्रयोग उसका करें। सवेरे के समय की धूप सबसे अच्छी है, ये सब जानते हैं, मगर आज हम उठते नहीं हैं इसलिए हम लेते नहीं हैं। आप सुबह उठिए और सुबह जो उगते हुए सूरज की धूप है वो आप लें, आधी घंटा लें, एक घंटा लें, जितना आपके पास समय हो ले जरूर, क्योंकि ये धूप आपको हमेशा रोग मुक्त रखेगी। जब अनाज के कीड़े मार सकती है और पेड़ पौधों में फल सब्जियां अनाज उग जाते हैं जिस सूरज की धूप से, वो नहीं हो तो कोई चीज़ संभव नहीं है, दिन भी नहीं होगा। तो आप सोचिए वो सूरज की धूप हमें कितनी ताकत से भर देगी। तो सबसे पहले नंबर पर बोलूँगी सूर्य की धूप जरूर लें, और अगर बीमार है तो 1 से 2 घंटे लें, निश्चित रूप से आपका रोग शरीर से दूर होने लगेगा। दूसरे नंबर पर बोलूँगी जल। जल हम सब जानते हैं ये सब मुफ्त मिलने वाली चीज़ें हैं जिनका हम ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं। पानी सुबह शुरुआत गुनगुने पानी से ही करें, और दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिए, और जिन्हें बहुत पसीना आता है वो थोड़ा और अधिक पी लें, क्योंकि पानी पीने से, हाँ किडनी की प्रॉब्लम है तो मैं आपको नहीं बोलूँगी, जितना डॉक्टर बोलता है उतना पिए, पर पानी आप छाछ के रूप में ले सकते हैं, सब्जियों का सूप है, जूस है, इस किसी भी रूप में ले लीजिए, लीजिए ज़रूर, और एक संग मत पीजिए। सुबह तो आपने 2-3 गिलास पी लिया, फिर कोशिश करिए हर 1 घंटे के बाद थोड़ा पानी पी लें, ताकि पानी आपके शरीर में जाएगा, आपको हाइड्रेट रखेगा, स्किन को शाइनिंग देगा, और आपका ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट भी होता रहेगा। तीसरे नंबर पे बोलूँगी हवा। हवा कैसे लेंगे? गहरी सांस लेने की आदत डालें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। खास करके जब सुबह 1 घंटा आप सूर्य के उसमें बैठे हैं तो आप गहरी सांस ले लें, तो आपको 1 साथ 2 फायदे मिल जाएंगे। गहरी सांस लेंगे तो एक तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गहरी सांस छोड़ेंगे तो निकलेगी, इससे आपके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास होगा, एनर्जी का, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो आपके शरीर की सेल को एनर्जी देती है, ब्लड के साथ वही तो जाता है आपके अंदर। तो कोशिश करें कि 1 घंटा तो जरूर लें, उसके बाद धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी तो आप दिन में भी गहरी सांस ले सकेंगे, तो रोग आएंगे ही नहीं। और चौथे नंबर पर बोलूँगी लाइव फूड, यानी जिंदा भोजन। जिंदा भोजन क्या होगा? फल, सलाद, स्प्राउट्स, ये आपके जिंदे भोजन में आते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा खुद ही नेचर से तैयार होते हैं, और इनको खाने से आपको जो न्यूट्रिशन मिलेगा, जो आपको एंजाइम मिलेंगे, वो आपके शरीर में रोग आने नहीं देंगे, और रोग है तो उन्हें दूर कर देंगे। साथ में हरी सब्जियां भरपूर लें, और 60 से 70% तो आपका खाना यही हो, और 30 से 40% आपका कुक्ड फूड हो जिसमें मोटे अनाज के रूप में ले लें। पांचवें नंबर पे बोलूँगी प्रकृति से जुड़े। सुबह जब आप सूर्य की धूप के लिए टहलने निकल रहे हैं तो उस समय आप हरियाली के बीच में जाएं। प्रकृति से जुड़ने से मन शांत होता है, तनाव मुक्त होता है,
पशु पक्षियों को देखें, खिलते हुए फूलों को देखें, हरी हरी घास पे चलें, आँखों को भी बहुत अधिक मतलब सुकून मिलेगा। तो प्रकृति से जरूर जुड़ें, भले ही आप आधी घंटा एक घंटा जितना आपके पास समय हो। सातवें नंबर पे बोल, छठे नंबर पे परिवार व दोस्तों के साथ थोड़ा समय जरूर गुजारें। परिवार के संग तो गुजारना ही है, चाहे साथ में बैठ के भोजन करें या कुछ भी करें, थोड़ी देर बात करें, लेकिन दोस्तों को भी थोड़ा समय दें। इससे भी आपके मन का तनाव दूर होगा और तनाव ही रोगों का कारण है। सातवें नंबर पे बोलूँगी खुल के हंसे, अरे खिलखिला के, बिल्कुल ऐसे खिलखिला के हंसिए, चाहे दोस्तों के साथ हंसिए, चाहे परिवार के साथ हंसिए, चाहे आप अकेले हंसिए, हंसिए। हंसने से सबसे पहले ब्रेन से गुड हार्मोन सीक्रेट होता है, चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो चेहरे में रिंकल नहीं आएंगे, उम्र का प्रभाव जल्दी नहीं आएगा, हार्ट और लंग्स हेल्दी होते हैं, क्योंकि हंसते हैं तो उनको व्यायाम करना पड़ता है, और डाइजेशन सिस्टम बहुत हेल्दी होगा, क्योंकि हंसने का बहुत बड़ा प्रभाव पेट पर है, आपके गट हेल्थ के लिए। तो हंसिए, खुल के हंसिए, 5 मिनट के लिए तो जरूर हंसिए। और आठवें नंबर पर बोलूँगी गहरी नींद। आप गहरी नींद किसे कहेंगे? दवा खा के सोने को गहरी नींद नहीं बोला जाता है। बिस्तर में जाए, 5 मिनट में नींद आ जाए और वो पूरी रात आप आराम से सो सके, और सुबह जब उठे तो बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील करें। पर ऐसी नींद आज बहुत कम लोगों को है, तो इस नींद के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर नींद नहीं आती है तो नंबर एक, सोने जाने से पहले अपने पैर के पंजों को अच्छी तरह गुनगुने पानी से, मौसम के अनुसार, गर्मी है तो ठंडे पानी से धो लें, धोने के बाद पोंछ लें, पैर के तलुए में घी की या सरसों के तेल की मालिश थोड़ी सी कर दें, मतलब पंजे में पीछे मालिश कर लें, पूरे एड़ी से लेके पंजे तक मालिश कर दें थोड़ी सी, थोड़ा सा हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ दें तो वहाँ गर्माहट आएगी और उससे क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं तो नींद भी आएगी। और उसके बाद नाक में सोने से पहले 2 बूंद गाय का घी या सरसों का तेल या बादाम का तेल जरूर डालें, नाभि में भी डालें। इतना अगर आप करेंगे तो गहरी नींद आएगी ही आएगी। अगर इसके बावजूद आप दवा लेने के आदी हैं तो आप दवा छोड़ के देखिए, साथ में आप 1 चम्मच, डायबिटीज़ नहीं हो तो 1 से 2 चम्मच शहद गुनगुने पानी में मिला के पी लें। 100% आपको जितनी नींद आप लेते थे दवा से, उससे ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। और जब नींद आएगी अच्छी तरह तो आपके जो शरीर का आंतरिक अंग है वो अपने रात में जो काम, जैसे लीवर है, ये सब रेस्ट तो पाएंगे लेकिन साथ ही साथ ही अपने काम को अगले दिन के लिए भरपूर एनर्जी ले लेंगे। तो अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे इनमें से सभी को अगर अपना सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जैसे जैसे कुछ कुछ चीज़ों को भी अपनाएंगे तो आपके अंदर चेंज आएगा, तो आप अगली बार से आप और चीज़ें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करिए कि जो चीज़ें मैंने बताई है इनका पालन करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। नमस्कार, धन्यवाद।